हाय लव्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरोहीज ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज, आज मैं जा रही हूँ मार्केट, कुछ बड़ी शॉपिंग नहीं करनी है यार। इतनी बड़ी शॉपिंग करने के लिए नहीं जा रही मैं। दीदी के लिए ना एक सूट लेकर आना था, उसने मुझे बहुत दिन से बोल रखा था कि जब भी तेरा चक्कर लगे ना आर एस एम आर जाने का तो मेरे लिए सूट ले आई लो। तो मेरे को अपने लिए एक बैग लेने जाना है क्योंकि उस वाले की चेन ख़राब हो गई है और एक दीदी लेके चली गई है और एक बहुत ही ज़्यादा पुराना हो गया है और एक मेरा चोरी हो गया है। हैंड स्मॉल बैग्स तो मेरे पास बहुत ही सारे हैं, लेकिन जो बड़े बड़े वाले बैग हैं ना वो चार पांच ही थे बस मेरे पास। तो सबका बता दिया मैंने क्या क्या सीन हो गया। तो अब मैं जा रही हूँ अपने लिए नया बैग लेने के लिए जो मैं अपनी क्लास में लेकर जा सकती हूँ, थोड़ा सा बड़े साइज़ का। तो अभी जस्ट मैंने ड्रेस पहनी है, ये वाली ड्रेस पहन के जाऊँगी मैं। क्रीम वगैरह लगा लेते हैं क्योंकि कुछ मेकअप नहीं करने वाली मैं, बहुत ज़्यादा करनी है। तो नॉर्मल सा कुछ लगाते हैं फिर निकलते हैं। गाइस, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि मुझे अपनी बहन को भी अपने साथ लेके जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा उसको लेके जाने का बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि इसलिए लेके जाना पड़ेगा। अभी दोपहर में मैंने उसकी नमकीन खाई थी तो उसको पता था कि मैं मार्केट जाऊँगी आज, तो मुझे बोलती है तूने मेरी नमकीन खाई है ना, मैं तुझे एक शर्ट पे नमकीन दूंगी कि तू मेरे को भी अपने साथ लेके जाए। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि वो ना ही जाए तो अच्छा है, बाकी हम कुछ नहीं सकते, वो जा भी सकती है। तो आज ने मैंने अपना मेकअप बॉक्स चेंज कर दिया, बड़े वाले में था ना, मैंने आज इसको छोटे वाले में फ़िक्स कर दिया बिल्कुल, इस वाले बॉक्स में मुझे सही लग रहा है ये वाला बॉक्स, बिल्कुल फिक्स सामान आया मेरा मेकअप का। तो ज़्यादा कुछ तो वैसे भी हम करने वाले हैं क्योंकि मुझे तो लग रही है बहुत गर्मी, कुछ भी करने का मेरा मन नहीं करता इस गर्मी में जो बात है। और कल जाके मैंने अपनी थ्रेडिंग कराई है, आप लोग देख सकते हो कल जाके कराई है। मॉइस्चराइजर लगाऊंगी मैं और सनस्क्रीन लगा लूँगी बस, बहुत है। दो ही चीज़ें इम्पोर्टेंट है। थोड़ी सी आईब्रोज कर लेते हैं। जब मैं अपनी वहाँ गई थी अपने बर्थडे में, जब मैं गोवा गई थी तो जिस ब्यूटी पार्लर में मैं अपनी आईब्रोज वगैरह कराती हूँ ना, तो वहाँ पे क्या हुआ ना कि वो उस दिन थी नहीं तो मैंने किसी और से बनवा लिया था, तो उन्होंने ना मेरी एकदम थ्रेडिंग ख़राब ही कर दी थी, बहुत पतली मेरी आईब्रो करती थी। तो मैंने एक महीने तक मैंने कोई आईब्रोज नहीं बनवाई, अपनी ग्रोथ लाई अच्छे से। और अब मैंने कल जाके बनवाई और उससे मैंने एक लेयर और छुड़वा दी, मतलब मोटी आईब्रो मुझे पसंद है। तो जाके उसने कुछ ऐसा करा, ठीक है, लक्षण लगा लेते हैं थोड़ा सा। फोन पीछा 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 अपने फोन का नेट बचाने के चक्कर में अलमारी में ऐसे ताला लगी रही थी। वाओ, वेरी नाइस नाइस वेरी नाइस। देखने गाइस, ये मम्मी है आजकल की, अलमारी फोन छुपाई रही थी कि नेट ना ले ले कहीं मेरा। तो गाइस, अब इस पे लिपस्टिक है, हम वो लगा रहे हैं। मैं उत्तराखंड से लिपस्टिक लेकर आई थी गाइस, अब मैंने इसको यूज भी नहीं किया बल्कि शेड नंबर 133। देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा डार्क शेड लगा लिया आज तो मैंने। कोई बात नहीं, क्या ही देख सकते हैं। तो गाइस, आज ना किसी को जाना है क्या? हाँ जाना है, पर मैं तो सोच रहा कि जाऊँगी मैं जाऊँगी नहीं, लेके जाके दिखा दे। अब तो नमकीन खा ली मैंने, पच भी गया, अब
तू क्या कर लेगी मेरा? तू जा क्यों रही है? अपनी मर्जी से जा रही है। मैंने कुछ नहीं बोला तेरे को, अपने पैसे लेके चलियो, मैं खर्चा नहीं करूंगी। मैं हो गई हूँ रेडी, तो अब निकाल दे मम्मा वाला पर्स, क्योंकि हमारे पास तो है नहीं हैंड पर्स, मम्मा गई है। पैसे नहीं है, मैं दिलाऊं कुछ भी? अपने सारे जाओ, मेरे सारे जा रहे हो क्या मार्केट? तो नमकीन खाए तो उससे क्या मतलब है? मैं नहीं दिलाऊं कुछ भी, तू जा ही मत, तेरे को लेके नहीं जाना है मेरे को पहली बात तो। हाँ झूठी, सिर्फ मैंने इतना, हाँ मैं इसको दीदी बोलूंगी ना, मैंने सिर्फ चीज खाई थी, ठीक है, सिर्फ चीज, वो तो खा ली और पच भी। आप गोरे तो हम गोरे, है ना? बाकी फिल्टर, फिल्टर नहीं है ऐसे इसमें, देख तो फिल्टर नहीं है। तो साफ है, तो साफ ही आएगा ना। और बताओ भाई क्या हाल चाल, कैसे हो आप? बढ़िया है, इतनी सुंदर गली है, आप हमारी सुंदर गली देख सकते हैं। कचरा इकट्ठा है, मेरे ब्लॉग में तारीफ कर मेरी पहले। गाइस मेरी तारीफ कर रही है क्योंकि 100 रुपए की टी शर्ट दिलाऊंगी ना, इसीलिए तारीफ कर मेरी। तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, अच्छी अच्छी अच्छा, वो हाथ में लगा गायब लगता, कितना मारते एक बेटा है, नहीं अगर तूने मुझे मारा तो ये तारीफ कर पाया। बहुत सुंदर हो, तुम्हारा कितना सुंदर लिप्स, ये सब तो सब बोलते हैं और कुछ बोल, तुम बहुत सुंदर रील बनाती। मेरे बाल बड़े हो गए ना पहले से, बाल नहीं लगते नहीं मारा अब बाल भी लगता तेरे, चल अंदर बहुत गलत रहा। हाँ रील लाइक बंदों की हकीकत आ गई सामने। चलो गाइस हम जा रहे हैं, मैं लीड लेके जाऊंगी क्योंकि मुझे तेरे से बात नहीं करनी। हाँ गाइस मैंने ले ली लीड, मुझे इससे बात नहीं करनी, पकाई नहीं मुझे। क्या लगा के जल्दी आ जा चिकन। गाइस हम चिकन की बहुत बड़े भूखे हैं, चल झूठी रोज खाती है, बकवास कर रही है। मैं भी यार है ना, पर कुछ ऐसे में दिख जाता पाकिस्तानी स्टाइल में। हाँ कुर्ती सी चाहिए मेरे को, बट कस्टमर को एक सूट दिखा रहा है पाकिस्तानी स्टाइल में कुर्ती। यार चाय की सब्जी रखा दी है। तो गाइस अभी हम आए हैं तलत नगर, और हम ले रहे हैं पर्स। यहाँ पे एक शॉप है जहाँ से मैं पर्स वगैरह लेती हूँ, तो अब हम वहीं जा रहे हैं लेने, क्योंकि मुझे वहाँ काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं और काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न हैं उनके पास। तो ये रही वो शॉप, अच्छा बाहर से देख ले कुछ, बाहर का मुझे समझ नहीं आ रहा कैसा। अब हम खा रहे हैं भेलपूड़ी, यहाँ की भेलपूड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तिलक नगर आऊँ और मैं भेलपूड़ी ना खाऊँ ऐसा तो हो ही।
हैप्पी कि हमारे यहाँ आना सफल हुआ। बाकी आपको दिखाते हैं यहाँ पे ना बहुत टेस्टी बनाते हैं भैया ये वाली भी थी पूरी, पानी आ जाता है मुँह में एकदम। फिर हम मोमो खाएंगे है ना, खाएगी तू तो खाएगी, प्रिया तुझे खाने की आदत है भुक्कड़। पानी की बॉटल दे दो इसे, पानी की बॉटल देना। देखो गाइस रेडी हो गया, तू फैन हो जाएगी पता है। देखो गाइस हमने अपना सामान यहाँ रख दिया, आप लोग देख सकते हैं आज बुधवार है वैसे मार्केट में ना कमी क्राउड रहता है। वाओ नाइस, मेरा ले पकड़ उसे हाथ में। ये लुकिंग सो ब्यूटीफुल। तो गाइस अब हम खा रहे हैं मोमो, मोमो खाएंगे ना अब हम। यस हाफ मोमो दिए। तो गाइस मैं लेकर आ गई हूँ ये वाला बैग। फाइनली ये बैग मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद था और मैं बहुत टाइम से सोच रही थी इसको लेने का। हालांकि इस बार मेरा कोई ऐसा मन नहीं था कि मैं ये वाला बैग लूँगी, बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मुझे यही वाला बैग अच्छा लगा तो ये मैंने ले लिया। और भी हम दो तीन चीज़ें लेकर आए हैं गाइस। तो गाइस मैं तो बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ नहाने क्योंकि मैं बाहर से आती हूँ तो नहाती हूँ, स्पेशली गर्मियों में सर्दियों में नहीं। तो मैं बैग लेकर आई हूँ, दो स्लीपर्स लेकर आई हूँ, एक टी शर्ट लेके आए हैं, एक सूट लेके आए हैं, बाकी एक वाटर बॉटल वगैरह लेकर आए हैं। तो मुझे लगा कि शायद आपको बैग दिखाना चाहिए तो मैंने आप लोगों को बैग दिखा दिया। ये बैग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है गाइस। सो फाइनली ये मेरे पास है और इसकी ना वारंटी भी है, या फिर इसकी यहाँ इस साइड कहीं प्रॉब्लम आ जाए तो ये चेंज हो जाएगा एंड रिफ़ंड भी कर देंगे वो शायद, रिफ़ंड का तो मुझे इतना पता नहीं पर चेंज कर देंगे वो। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, मैंने कहा चलो कोई नहीं। बाकी जो रेट सरोजनी में है उस रेट पे तो मुझे नहीं मिल रहा है, ये बिल्कुल ही मतलब की पूरी गारंटी दी है उन्होंने, अगर ख़राब हुआ तो चेंज हो जाएगा। इस वजह से इसका जो प्राइस है वो बोल रही थी मुझे, वैसे तो उसने मुझे 950 बताया था इसका प्राइस, पर उसने मुझे बोला कि ये लास्ट पीस बचा है तो मैं आपको 850 में दे देती हूँ। फिर मैंने बोला कि नहीं 850 नहीं, क्योंकि मैं और भी जगह प्राइस पूछ के आई हूँ तो 650 मिक्स है। तो बोल रही है कि नहीं, मैंने कहा नहीं तो फिर मैंने कहा 700 लगाना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं फिर शॉप से निकलने वाली थी तो मुझे फिर रोक के और फिर उन्होंने मुझे 700 में दे दिया फाइनली। और वैसे भी सरोजनी में भी इसका प्राइस 650 के आसपास है तो मुझे सही लगा, मैंने कहा चल ठीक है 700 में बोल रही है फट फट जाएगा, चेन वेन तो ख़राब हो ही जाती है कुछ ज़्यादा हैवी भरने से तो मैं चेंज करा लूँगी। वैसे तो मुझे ये डेली वेज के लिए चाहिए था तो फिर मुझे ये बहुत प्यारा लगा, फाइनली मेरे पास भी है ये। एंड जिस दिन हम भगवान की हम पे ज़्यादा कृपा रहेगी, जिस दिन हम अमीर हो जाएंगे उस दिन हम असली ब्रांड का यूज़ करेंगे, अभी हम कॉपी से काम चला लेते हैं। चलो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपने ब्लॉग इन्जॉय करा होगा। तो अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बताना कैसा लगा मेरा बैग। तो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।